पुणे हिट एंड रन केस में पुलिस की कार्रवाई सामने आई है। ससून अस्पताल के दो डॉक्टर्स गिरफ्तार किए गए। ब्लड रिपोर्ट से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तारी हुई है। डॉक्टर श्रीहरि हरलोर और अजय तावरे को गिरफ्तार किया। राजीव सिंह हमारे साथ हमारे संवाददाता फोनलाइन पर जुड़े हुए हैं। राजीव, क्या जानकारी मिल रही है पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर? राजीव, क्या आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी देखिए, दो डॉक्टर को गिरफ्तार किया गया है जो कि ससून अस्पताल के हैं। उनके ऊपर आरोप यह है कि दरअसल जब नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को लिया गया था तो उस दरमियान इन दोनों डॉक्टर में से एक डॉक्टर जो है वो ऑलरेडी लीव पर चल रहे थे, लेकिन चूंकि पूरा मामला जो है एक हाई प्रोफाइल बिल्डर से जुड़ा हुआ था, ऐसे में उस लीव पर चल रहे डॉक्टर ताइडे ने भी इस पूरे मामले में जो है इंटरफेयर किया और उन्होंने दूसरे डॉक्टर को इन्फ्लुएंस करके पूरा ब्लड सैंपल ही बदल दिया और दूसरा ब्लड जो है वो टेस्ट करके उसकी रिपोर्ट पुलिस को सौंपी गई और इसी वजह से जो पहली ब्लड रिपोर्ट इनिशियल लेवल पर पुलिस को दी गई थी, जो कि एरोड़ा पुलिस जब मामले की जांच कर रही थी उस वक्त कथित ब्लड सैंपल रिपोर्ट में अल्कोहल नहीं पाया गया था, लेकिन चूंकि जब पूरा मामला क्राइम ब्रांच को सौंपा गया, क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले की इंक्वायरी शुरू की तो उन्होंने उन दोनों डॉक्टर्स को भी तलब किया, नोटिस भेजकर उनसे पूछताछ की और जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो जो पैथोलॉजी के डॉक्टर थे उन्होंने इस बात को कबूल किया कि डॉक्टर ताइडे के इन्फ्लुएंस में उन्होंने ब्लड ही बदल दिया था और इसी वजह से ब्लड सैंपल की जो इनिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें अल्कोहल नहीं पाया गया था। अब इन दोनों ही डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है, इन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस पूरे मामले में भी नाबालिग के जो पिता और दादा है उनकी भूमिका संदिग्ध है। इसमें एक नई धारा भी लग सकती है क्योंकि इसके पहले ड्राइवर को जबरन अगवा करके उस पर दबाव बनाने के मामले में उनको गिरफ्तार किया गया है। अब देखना यह है कि पुलिस इस पूरे मामले में ये ब्लड सैंपल चेंज करवाने का जो दबाव बनाया गया था, लालच दिया गया था, उसको लेकर भी किस तरह से धाराएं जोड़ी जाती है, नई FIR ली जाती है। शुक्रिया राजीव आपका इस अपडेट के लिए।